का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक न्यूज। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर कल के क्वेश्चन की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप लोग अगर कहीं पर बैठकर पबजी गेम खेल रहे हो और अचानक आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए थाने पर और वहां आपका जमकर आपकर पिटाई की तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों यहाँ पर 14% लोगों ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर पुलिस मेरी पिटाई करती है और 85% लोगों ने बताया नहीं भाई मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगेगा अगर पुलिस मेरी पिटाई करती है पबजी गेम खेलते समय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप दिन भर में कितने घंटे पबजी गेम खेलते हो, बताइएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों को मिलाकर कर दीजिए इस लाइक वाले बटन को, थोड़ा तेज दबा दीजिए इस लाइक वाले बटन को। दोस्तों सबसे पहला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर आईपैड की तरफ से, यानी कि एप्पल की तरफ से, और एप्पल ने अपना 2 आईपैड लॉन्च कर दिया है जो कि है आईपैड एयर और आईपैड मिनी, और इसमें आपको सपोर्ट मिलता है पेंसिल का जिसकी मदद से आप आईपैड को आराम से पेंसिल की मदद से चला सकते हो। और बातें करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस है इसका इंडिया में 34,500 रुपए। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर हुआवे की तरफ से, और हुआवे का यह स्मार्टफोन यानी कि हुआवे P30 स्मार्टफोन लीक हो चुका है जहां पर ये इंसान आराम से बैठकर हुआवे P30 स्मार्टफोन को चला रहा है, यूज कर रहा है, जो कि हुआवे बहुत ही जल्द इस स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च करने वाला था। देखते हैं कि हुआवे इसके बारे में क्या आगे सोचता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर वन प्लस की तरफ से, और वन प्लस तैयारी कर रहा है इस बार अलग अलग कलर को लेकर, जो कि इस बार आ रहा है वन प्लस की तरफ से वन प्लस 7 स्मार्टफोन जिसमें आपको अलग अलग कलर यानी कि ग्रेडियंट कलर आपको देखने को मिलेंगे। और बातें करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा और पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है और इसकी प्राइस कितनी रखी जाती है। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट के, निकल कर आता है पबजी की तरफ से, और पबजी खेलते समय भाई 2 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि यार बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है। ये बताओ एक पबजी गेम खेलते समय हम सभी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो कि दोस्तों ये दोनों लोग 2 लोग ऐसे थे जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे पर थे, पबजी गेम खेल रहे थे और उस तरफ से भाई ट्रेन आई और इन दोनों लोग को कुचल कर चली गई। तो यार काफ़ी ज़्यादा दुख की बात होती है कि पबजी गेम खेलते खेलते हम लोग अपने जान को इससे जोखिम में डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात होती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल आता है रेडमी की तरफ से, और रेडमी ने अपना Redmi 1A वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दिया है जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने क्लॉथ को यहाँ पर वॉशिंग कर सकते हैं। और बातें करते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 8 किलोग्राम तक के कपड़े को आप धो सकते हैं। और बातें करती हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है भाई आपको 8,200 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर रियलमी की तरफ से, और रियलमी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो कि रियलमी ने 1000 मोबाइल को इकट्ठा करके एक स्लोगन बनवाया है जिसमें लिखा है प्राउड टू बी यंग। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि मेरा भी नाम ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो जाए, तो कितने दोस्तों मजे की बात है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है व्हाट्सएप की तरफ से, और व्हाट्सएप भाई तैयारी कर रहा है लोकसभा चुनाव आने से पहले फेक न्यूज को रोका जाए, क्योंकि यार फेक न्यूज एक ऐसी बात है, ऐसा न्यूज है जिससे यार काफ़ी लोगों की जाने चली जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हम सभी लोगों के बीच में आ जाती हैं जिसे हम सभी लोगों को अपनी जान को गंवानी पड़ती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आ रहा है Redmi की 7 की तरफ से, जो कि Redmi ने अपना Redmi 7 लॉन्च कर दिया है चीन में, हालांकि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। और बातें करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब आता है और इसकी प्राइस कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इतना ही, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ।